क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दीपावली का पर्व शुरू हो चुका है। दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है, जिसके बाद छोटी दिवाली और दीपावली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चौदस धनतेरस के एक दिन बाद और दिवाली से पहले मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूजन विधि और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में। धनतेरस के दूसरे दिन मनाई जाती है छोटी दीपावली। छोटी दीपावली को कहा जाता है नरक चौदस। श्री कृष्ण की इस दिन होती है पूजा। यमराज के नाम का इस दिन जलता है दिया। काली जी के नाम का भी जलाया जाता है दिया। नरक चतुर्दशी को लक्ष्मी जी का होता है आगमन। घर की दूर होती है दरिद्रता। दीपावली का पावन पर्व शुरू हो चुका है। दीपावली 5 दिनों का त्योहार होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। इसके बाद छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी का पर्व धनतेरस के एक दिन बाद और दीपावली से पहले मनाया जाता है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। माना यह भी जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर की दरिद्रता दूर होती है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। दरअसल हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार कुल 24 चतुर्दशियां हैं, जिनमें से एक है नरक चतुर्दशी, जिसे कई जगहों पर कार्तिक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रूप चतुर्दशी, काली चौदस व छोटी दीपावली भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई स्त्री पुरुष नरक चतुर्दशी का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करता है, तो उसे मृत्यु के बाद कभी नरक नहीं मिलता। इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली की रात माँ काली की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन माँ काली की पूजा तांत्रिकों द्वारा सिद्धि प्राप्ति के लिए की जाती है। साथ ही इस दिन माँ काली का पूजन लोग सालों से करते चले आ रहे हैं। काली चौदस के दिन माँ काली के नाम का दीपक जलाने से मनुष्य के सभी शत्रु शांत हो जाते हैं और उनके जीवन में भय का कोई स्थान नहीं रहता। नरक चौदस की पूजन विधि। शाम के समय भगवान कृष्ण की पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाएं। इस दिन दान करना भी शुभ होता है। यमराज के नाम से भी एक दीपक जलाएं। इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है। नरक चतुर्दशी को शाम के समय सभी देवताओं की पूजा के बाद घर की चौखट के दोनों ओर तेल के दीपक जला कर रखने चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, माँ काली और यमदेव का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। नरक चतुर्दशी की कहानी। नरक चतुर्दशी को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक नरकासुर की कहानी ज्यादा प्रसिद्ध है। नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है, जो कि भूदेवी का बेटा था, जिसके बेटे नरक ने घनघोर तपस्या करने के बाद भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था, जिससे लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। दानव इंसानों पर अत्याचार करते थे और महिलाओं का अपहरण कर उन्हें महल में कैद कर लेते थे। नरकासुर के अत्याचार को सहन करने में असमर्थ देवता भगवान श्री कृष्ण से प्राणियों की रक्षा करने की
विनती करने लगे, लेकिन राक्षस नरकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि वो केवल अपनी माँ भूदेवी के हाथों से मर सकता था। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को नरकासुर के साथ युद्ध में उनका सारथी बनने को कहा, क्योंकि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ही भूदेवी का पुनर्जन्म थी। इसीलिए युद्ध में श्री कृष्ण ने नरकासुर को एक तीर से बेहोश कर दिया, तो सत्यभामा ने धनुष उठाकर नरकासुर को निशाना बनाते हुए तीर मारा, जिससे राक्षस नरकासुर की तुरंत मौत हो गई। सत्यभामा के द्वारा नरकासुर का वध इस बात को दर्शाता है कि माता पिता को अपने बच्चों को दंडित करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। नरकासुर की मृत्यु के बाद माँ भूदेवी ने कहा कि मारे गए राक्षस नरकासुर की मृत्यु के बाद माँ भूदेवी ने कहा कि मारे गए राक्षस नरकासुर की मृत्यु शोक के रूप में नहीं मनाई जानी चाहिए, बल्कि इसे एक जश्न के रूप में मनाना चाहिए। तो वही ऐसा माना जाता है कि नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। तभी से ये परंपरा चलती चली आ रही है कि इस दिन को लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं। लोग नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करते हैं और शाम के वक्त पूजा करने के बाद आतिशबाजी करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। प्राइम टीवी की तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।